देती हूँ, मेरे पास एक फोन आया, साध्वी जी मैं आपके लिए कुछ लिखना चाहता हूँ, इसलिए मैं आपसे मिलना चाहता हूँ। मैंने कहा बिल्कुल, तो इसलिए मैं आपसे मिलना चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ कि नया वर्ष है, 1 तारीख को मैं आपके पास आता हूँ तो कुछ लिख पाऊंगा, तो नए वर्ष पे कुछ लिख लूंगा मैं। मैंने कहा ऐसा है कि आप जिनके बारे में जान करके लिखना चाहते हैं वो उनके लिए ये नया वर्ष है ही नहीं, ये कैलेंडर का वर्ष होगा नया, जिसमें 1 तारीख से प्रारंभ हो रहा है, ये हमारा नया वर्ष नहीं है, हमारा तो चैत्र मास की प्रतिपदा पे आता है, नवरात्रि के प्रथम दिवस पे आता है, और वो हमारा नया वर्ष होता है जिसमें नई फसल होती है, नए बीज होते हैं, नया वातावरण होता है, नई हवा होती है, नई सुगंध होती है, नए संस्कार होते हैं, और माता रानी का आशीर्वाद होता है, वो हमारा नया वर्ष होता है। इसलिए हम नया वर्ष मनाते हैं, क्योंकि सब कुछ नया होता है, सब प्रकृति भी नई होती, मिलके आती है उस समय प्रकृति, वो हमारा नया वर्ष होता है, जब हमें नवीनता का आभास होता है तब हमारा नया वर्ष होता है, और हम तब नया वर्ष मनाते हैं। इसलिए हमें वह करना चाहिए जिससे हमारे जीवन में उत्साह आए, उमंग आए, नवीनता आए। हमें रात को 31 दिसंबर की रात को पीकर डांस करके चकनाचूर होकर के सोने वाले लोग जो कभी प्रातः नहीं देखते, जिनके लिए प्रातः की सूर्य की किरण मायने नहीं रखती, क्योंकि रात भर नाचते हैं, रात भर पीते हैं, उसके बाद जो सोते हैं तो उनकी सुबह उठना प्रारंभ कर दीजिए, मैं आपका सहयोग करूंगी, मुझे कोई दिक्कत नहीं, आप जो जानना चाहते हैं हम बोल देंगे। बोले आपने मुझे सही कहा, आज के बाद मैं ऐसा ही करूंगी। इसका अर्थ ये हुआ, यदि मैंने किसी को जागृत किया, मैंने किसी को कुछ कहा तो सही है, सत्य है, इसलिए उसने स्वीकार किया, क्योंकि ये भारतवर्ष की संस्कृति है, गुरु सबको सिखाते हैं, और इसलिए गुरु बनकर संस्कृत सबको सिखा रही है, तो हम गुरु बन जाए, पूरे देश में संस्कृत छा जाएगी और भारत को विश्व गुरु बनने में बिल्कुल भी विलंब नहीं होगा, भारत विश्व गुरु बनेगा, था है, थोड़ा सा कहीं दिक्कत है, पर हो जाएगा, ये पूर्ण विश्वास है, भारत माता की जय।